और आश्रम में सफाई व्यवस्था बनाकर रखनी है जी। धनंद सतगुरु तेरा ही आश्रम। धनंद सतगुरु तेरा ही आश्रम। हो गुरु दे ध्यान विच लाइया क्यों ना अखियां, गुरु दे ध्यान विच लाइया क्यों ना अखियां, रज रज देख के रह जाइया क्यों ना अखियां, हो गुरु दे ध्यान विच लाइया क्यों ना अखियां। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਸੀ ਮੈਲਿਆ ਗਿਆਨ ਤੀ, ਨਿਗਾ ਤੇਰੀ ਬੰਦੇ ਚੋਦੇ ਰੱਬ ਨੀ ਪਛਾਣ ਦੀ, ਹੋ ਕਿਸੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਅੱਖੀਆਂ, ਰਜ ਰਜ ਦੇਖ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਵਸਾਇਆ ਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜੇ ਅਥਰੂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਦੇ, ਹੋ ਸੂਰਦਾਸ ਵਾਂਗ ਕਢਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਾਣ ਵੇਲੇ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਪਾਪਾਂ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਮਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ।
धनन सतगुरु तेरा ही आश्रम मजदूर गायक प्रेमी प्रकट भागो जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। जब भी साथ संगत पंडाल से बाहर हैं आपसे प्रार्थना है कृपया जल्दी से मजलिस पंडाल में आकर बैठें, और जो बहन या भाई यहां खड़े हैं कृपया सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं जी। पूजनीय गुरु जी स्टेज पर पधारे हैं, सभी ने सत्कार में नारा बोलना जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसा भजन सुना रहे हैं जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा विशे विकारा विच मन नू पटकाया कानू विशे विकारा विच मन नू पटकाया कानू राम दा नाम बंदे दिलों पुलाया कानू विशे विकारा विच मन नू पटकाया कानू सचदा जे सौदा करदा अगे क्यों भुखा मरदा कम करे ना करदा बोझ उठाया कानू राम दा नाम बंदे दिलों भुलाया कानू पूंजी लियाया इसदा तू कदर न पाया जुए दे विच जिताया माल ठगाया कानू राम दा नाम बंदे दिलों भुलाया कानू गुरदा गुण तू गाले रेंदी जो लेखे लाले जीवन नु सफल बना ले मिट्टी मिलाया कानू राम दा नाम बंदे दिलों भुलाया कानू दिलों भुलाया कानू नाम जी हर दम कहंदा जप ले तू उठदा बहंदा बाकी जो बेड़ा रहंदा ऐवें गवाया कानू राम दा नाम बंदे दिलों भुलाया कानू विशे विकारा विच मन नू पटकाया कानू राम दा नाम बंदे दिल तो भुलाया कानू दिल तो भुलाया कानू दिल तो भुलाया कानू धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सतब्रह्मचारी सेवादार बाल मुकेश जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा राम नाम बिन कैसे हो बेड़ा तेरा पार जी स्वास हाथ से जाए कीमत बेशुमार जी
राम नाम दिन कैसे हो बेड़ा तेरा पार जी। जन्म अमोलक हीरा मिलिया बार बार ये मिलना नहीं, लाख चौरासी बाद है किलिया बार बार कोई भूलना नहीं। दुर्लभ जन्म है मिलिया तुझको चौरासी का सरदार जी। राम नाम बिन कैसे हो बेड़ा तेरा पार। कीमत क्या है जिसको सताना जान जी, झूठे धंधों में फंस रहा इधर न देता ध्यान जी। सच्चा वणज कमाने लिए पूंजी दी पुकार जी। राम नाम बिन कैसे हो बेड़ा तेरा पार। काम को जन्म मिला है भूल गया वो काम रे, अच्छे कर्म कमाने थे जपना प्रभु का नाम रे। टूट रही है पूंजी तेरी हो जा खबरदार जी। राम नाम बिन कैसे हो बेड़ा तेरा पार जी। राम नाम बिन कैसे हो तेरा तेरा पार जी। अभी समय है हाथ में तेरे सत्संग सिमरन कर ले रे, गया समय फिर हाथ न आए आप मरे जग पर ले। मानो न मानो मर्जी है शक्त नाम जी कहे पुकार जी। राम नाम बिन कैसे हो बेड़ा तेरा पार जी। श्वास हाथ से जा रहे कीमत बेशुमार जी। राम नाम बिन कैसे हो मेरा मेरा पार। नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक साजन बाजी प्यारी सत्संग जीओ, इस संसार सागर में यहां घोर कलयुग है। ठगी बेईमानी बुरा कर्म करने वाले आगे बढ़ रहे हैं और नेक भले इंसानों को लोग दबा रहे हैं। ऐसे घोर कलयुग में, ऐसे भयानक समय में इंसान अगर खुशियां हासिल कर सकता है, खुश रह सकता है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण राम का नाम है। वो आधार है जीवों की खुशियों का, वो आधार है जीवों के
मन को रोकने का वो आधार है, गम चिंता परेशानियों को मिटाने का। और हर इंसान को पीर फकीर की बात के अनुसार चलना चाहिए। इंसान जब जब मनमता करता है तब तक दुख गम चिंता परेशानियां उसे घेर लेती हैं। आज संसार में काम वासना यानी लोग कामी कीड़े हो गए हैं, काम वासना के अलावा कुछ नजर नहीं आता। क्रोध है, गुस्से में सड़ रहे हैं, जरा सी बात पे गुस्सा, जरा सी बात पे तमतमा जाते हैं और एक दूसरे का अपना नुकसान कर बैठते हैं। लोभ लालच किसने त्यागा है? जो अणख गैरत रखते हैं लोभ लालच के आगे घुटने टेकते देखा गया है। मोह ममता किसी को इस जाल ने उलझा रखा है। कोई मां बाप के प्यार में है, कोई बहन भाई के प्यार में है, कोई ऐसे प्यार में है जिसका कोई नाम ही नहीं है। एक दूसरे के लिए पागल हैं। दुनिया में ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं जो बेहद घिनौने हैं। लड़का लड़के से शादी करने को तैयार, विदेशों में तो शायद हो रही है, लड़की लड़की से शादी कर रही है। और यही नहीं, कई देशों में जैसा सुनने में आया था, ये कानून पास होने जा रहा है कि बेटा अपनी मां से शादी कर सकता है। और आप यकीन मानिए, ये हकीकत है, ऐसा कर्म इस दुनिया में हो रहा है। शादी हो ना हो वो एक अलग चीज है, लेकिन ऐसे कर्म हो रहे हैं। आदमी आदमी की पूजा कर रहा है, उसकी सेवा कर रहा है। अरे इससे थोड़ी सी सेवा भावना, कहीं अंदर का प्यार मालिक के प्रति हो तो कहना ही क्या है। इंसान क्या दे देगा जो खुद कर्मों का मारा है? कोई उसका हद से ज्यादा मोहब्बत करता है तो वो भी कर्मों का मारा बन जाएगा, और क्या हो सकता है। कई बार एक सेवादार यहां बात सुनाता था कि जी मैं गया किसी बाबा के साथ और वो पांव के हाथ लगवाता था, तो वो कहता मैं बैठा था, सर्दी का मौसम था, धुंध सी थी, उसको पता नहीं चला लड़की को, वो मैं ड्राइवर था, मेरे पांव के हाथ लगाने लगी। मैंने कहा भाई बेटा मेरे क्यों पांव के हाथ लगाती? कहती बाबा आशीर्वाद दो। कहता भी मैं तो खुद गंजा हूं, तेरे हाथ फेरूंगा तो तू भी गंजी हो जाएगी। बात तो सही है, जो खुद कर्मों के मारे हैं कोई उनके लिए पागल है, उनकी मोहब्बत में खोया हुआ है तो क्या मिलेगा? कर्मों की मार। अरे प्यार मोहब्बत करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम से करो, जैसे मीरा ने किया। कितना विरोध हुआ, पहले घर में, फिर उसके ससुराल में, कहां कहां नहीं रोका गया। अपने रात को लग जाती हार श्रृंगार करके अपने सतगुरु मौला को रिझाने सारी रात, हालांकि वो सामने प्रकट नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे लगन बनती गई तो प्रकट भी होते, उसको दिखते दूसरों को नहीं दिखते। पर खूब नाचती, खूब श्रृंगार करती, किसी की कोई परवाह नहीं करती। पति तो साथ देता था लेकिन वो बीमार था। तो कहने का मतलब, लोगों ने बड़ा विरोध किया, यहां तक कि उसे आखिर में निकाल दिया। लेकिन उन निकालने वालों का नाम नहीं, जबकि मीरा को आज पूरी दुनिया जानती है। सो किसी ने किसी से प्यार करना हो, अपना भेजा खोल लो, राम से करो, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की सेवा करो। दूसरों की गंदगी ढोने से क्या फायदा? अपने बारे में सोच लो, इससे अच्छा है कि आप दूसरे का सोच रहे हो, खुद का सोचो कि मेरे में क्या कमियां हैं, क्या गलत चीजें हैं, उनको दूर करने की कोशिश कर लो। संसार में सुखी वही है जो अपने कर्म आप करता है। नेक कर्म करो। हमने ये देखा बचपन में, सदगुरु जी ने रहमो कर्म किया, ऐसे जगह जन्म दिया जहां संस्कारी मां बाप मिले, खास करके बापू जी की बात हम उन्हें देखा करते। जब भी वो नहाते या तो उस समय राजस्थान साइड में, आजकल भी शायद बुजुर्ग लोग कपड़े का बना हुआ नीकर कह लो, कच्छा कह लो, बड़ा सा पहनते थे, तो वो अपना नया ले जाते और जब नहाते, एक में नहाते उसको धो लेते, वहीं नहाते नहाते खुद सुखाना
और इसी तरह अपना एक पटका सा होता है जिसे परना मुंह का नाम दिए जाते हैं पंजाबी में, तो वो कंधे पे रहता और कभी जब लगता कि ये थोड़ा मैला तो उसको बांध के नहा लेते, उसको धो देते, खुद ही सुखाते, खुद ही उठा के रख देते। हम जब बड़े हुए तो माता जी से कई बार पूछा, माता जी आपने कभी बापू जी के ये कपड़े धोए हैं? कहते ना भाई, मुझे तो धोने नहीं देते कभी भी। कहते इन कपड़ों से तेरा क्या वास्ता? तो हमने बापू जी से पूछा, कहने लगे हाँ भाई मैं अपना कर्म आप करना चाहिए, ये कपड़ा किसी को देते दिखाते ही शर्म आती है, धोना तो दूर की बात, किसी से धुलवाऊं? अपने हाथ पैर चलते हैं, परमात्मा चलाता है तो कर सकते हैं। यही नहीं, उनके संस्कार बड़े जबरदस्त थे, सुबह उठते किसी को कोई मतलब नहीं, अपना नौकर पांच पांच छह छह नौकर भी होते, लेकिन ऐसा जरा सा कोई नौकर लेट हो जाता आने वाला तो खुद कई भैंसे होती थी, गऊ होती थी, ऊंट वगैरह होते थे, तो उन सबको चारा डाल देते उनके आने तक। वो आके टोकरा पकड़ते, बाबा ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना था, हम कर देते आके। क्या फर्क पड़ जाता है अगर हमने कर लिया तो उन्हें कर लिया क्या? जब शरीर मजबूत है, सही है, अपनी जगह, तो काम करते रहना चाहिए। तो अपना काम आप करना, यहां तक कि खाना खुद खा लेते, चटनी वगैरह बना लेना तो खुद उठा के खा लेना। माता जी के पर बहुत काम होता, चाले चाले पचास पचास नौकर होते, कई बार बहुत बड़ा खेत था, हाड़ी जब काटते तो उस समय उनको उठाते नहीं थे कि भाई सुबह से लगे हैं, कब से रोटियां बना रहे हैं, अब पचास नौकर हैं तो कम से कम पांच रोटी एक की होती और दोपहर की तीन रोटियां अलग से होती, तो वो सुबह ही बन जाती। तो माता कई बार सो जाते तो कब सवाल पैदा, कभी उठाते, अपना काम अपने आप करते रहते, खाना उनको नौकरों को दे के आना, वहां काम करवाना। तो ये सतगुरु ने ऐसे संस्कार डलवाए कि अपना काम आप करना चाहिए। लाणत ऐसी जननी, लाणत ऐसे माँ बाप होते हैं जिनके बच्चे अपना काम आप नहीं कर सकते, दूसरों की सेवा तो बाद में सोचो, पहले अपना काम तो आप करना सीख लो। बड़ी हैरानी होती है कि कहां से सुमरण, कहां से परिवारों को खुशियां मिले, जब आदमी अपनी सारी खुशियां तो उनको दे देता। बेपरवाजी फरमाते थे कि आप सत्संग में आते हो, आप पुराने सत्संगियों ने सबने सुना होगा, साईं जी ने कहा, हमने हमसे भी सतगुरु जी ने एक दो बार ये वचन करवाए हैं कि भाई सत्संग में आते हो, सत्संग में जो कपड़े पहनते हो उन पे धूल माटी लग जाती है, अपने घर में जाके धो, हो सके तो आप अपने घर में जाके धो, ताकि यहां की जो धूल है सत्संग की, सात संगत की, उस परमपिता परमात्मा के रहमो गरम की, वो आपके घर में जाके बरकतें डाल दे, खुशियां दे दे। जो भावना से ऐसा करता है यकीनन उसका फायदा 100% होता है, ये हमने अजमाया है। अब जानबूझ के लोटपोट हो जाओ, मिट्टी लगा के जाओ, उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, नेचुरली जो हो जाता है उसका फायदा होता है। लंगर का बेपरवाजी फरमाते, जरा सा भी ना फेंको, जरा सा भी लंगर नहीं फेंकना चाहिए, तो लंगर जरा सा भी कहीं गिरा होता हम उसे उठा के ले जाते कपड़े में या ऐसा कोई टिश्यू में, रुमाल में ऐसे लपेट के, लगता कि हार्ड है तो कई बार अपना बचा होता तो खुद खा लेते, कहीं ऐसे मिल जाता तो पशुओं को खिला देते, उनका दूध बढ़ जाता। ये आपको सच कह रहे हैं, कोई बीमारी होती वो खत्म हो जाती। और यहां आते सतगुरु ने कृपा की, सेवा पे आया करते थे, ना तो कोई हमें प्रबंधक जानता था हेड, क्योंकि हमें सेवा से मतलब होता था हेड से नहीं, ज्यादातर लोगों को हेड से मतलब होता, कौन प्रबंधक, कौन सा क्या है, उससे यारी डालो। असल में आदमी यारी तो इसलिए डालता है कि सतगुरु से प्यार है, सतगुरु के दर्शन करवा देगा, लेकिन उनके अंदर कुछ और ही हो जाता है, बड़े बनने लग जाते हैं। तो हम तो सेवा करते, लंगर खाते सुबह, कई बार ऐसा होता था उस टाइम में रात का जो लंगर बचा होता था वो 8 बजे सुबह दे देते थे, गर्मियों में कई बार अकड़ जाता था तो उसको चाय में डिबड़ो के ऐसा खाते, क्या मजा आता था, बिस्किट की तरह, क्या बिस्किट उसका बराबरी करेंगे, वो दोनों जहां का नजारा, सतगुरु के वचनों में लंगर। तो जो भाई नरम नरम खाना, तरह तरह के पकवान, ऊपर से ढूंढते मालिक का रहमो करम बरसता क्यों नहीं, इतनी दया में रहमत होती क्यों नहीं। तो भाई हम तो आपसे गुजारिश करेंगे, अपनी सेवा कम से कम किसी से कोई भी ना करवाए, ये यकीनन इसमें स्टैंडर्ड में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक हाथ पांव नैन प्राण चलते हैं, मजबूर हो गए चारपाई पे बैठ के फिर तो अलग बात है, कोई सेवा करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन जब तक हाथ पांव चलते तो कम से कम अपने शरीर की सेवा कभी किसी से ना करवाओ, यकीन मानो बहुत खुशियां मिलेंगी, बीमारियां दूर रहेंगी और मालिक की दया में रहमत
जरूर बरसेगी, क्योंकि अपना काम करने की आदत जिसे होती है मालिक रहमत करते हैं। हमने देखा है, इतिहास पढ़ा है, एक बार गुरु सहवान कहीं पे गए तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की बात है, गए तो वहां पे एक चारपाई थी, कुछ लोग बैठे हुए थे, गुरुजी चारपाई पे लगे थे, मत बैठना मत बैठना। लगे क्यों? यदि ये रिधि सिद्धि बाबा है उसकी चारपाई है, जो इस पे बैठता है चारपाई उल्टा उसको उल्टा देती है, गिरा देती। गुरुजी मुस्कुराए और उस चारपाई पे बैठ के, गिराना क्या था। तो वो आदमी आया, बंदा आया, हैरान रह गया, बड़ा रिधि सिद्धि सी चलाई भी मैं चलाऊं, वो चारपाई से गिराऊं, कहां गिरा पाता। देखा एक दिव्य पुरुष बैठे हैं, पता चला, बात सुनी, हाथ जोड़ दिए कि मुझे मुरीद बनाओ। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुराए, कहते ठीक है अब बात करते हैं, पानी पीना था, प्यास लगी है। तो उसने नौकर को बोला, ए इधर आ, ये मटका पड़ा है, पानी का गिलास भर के देख। गुरु जी कहते नहीं, पानी की जरूरत नहीं, हम जा रहे हैं। कहता जी मुझे आपने गुरु मंत्र देना था, अपना गुरसिख बनाना था। कहते तुझे गुरसिख? जो अपना पानी आप नहीं पी सकता, वो हमारे रूहानियत में उस समय बुराई के विरुद्ध यंग थी, तो उसमें क्या साथ देगा जो अपना पानी आप नहीं पी सकता। इसलिए हाथ जोड़ के विनती, बुरा ना मानना, करड़े ना ओझना, बटना कहा जाना, क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे आपके भले की बात तो बताएगा कौन। संतों का काम सबका भला करना होता है। आदमी गलत कर रहा हो, मुरीद गलत कर रहा हो, उसे गुरु संत ही रोक सकता है, दूसरा नहीं। इसलिए अपनी सेवा किसी से भी ना करवाओ, और करने वाले के तो पल्ले गंदगी आनी है, उसको खुशी नहीं मिलती। सेवा जो गुरु वचन करता है उसकी होती है, और गुरु वचन ये करता है जो बीमार है, लाचार है, अपंग है, अंगहीन है, तन से उसकी सेवा करो। आपको लगता है अंगहीन है, अपंग है, बीमार है, दुखी है, बेहद इन चीजों में बीमार अपंग अंगहीन की सेवा की जा सकती है, उसके कपड़े बदलने, उसको खाना खिलाना, सहारा देके खड़े करना। पर जो खुद तंदुरुस्त हैं आप उनकी सेवा कर रहे हो, वो अपना सब कुछ लुटा रहे हैं और आपको भी पल्ले कख नहीं पड़ने वाला। इसलिए सेवा वो करो जो पीर फकीर कहते हैं, बीमार आदमी का इलाज करवा दो, दीन दुखियों की मदद करो, प्यासे को पानी, भूखे को खाना। अगर आप ये नेक भले कर्म करोगे तो मालिक की दया में रहमत मुसला धार बरसेगी। सो भाई हाथ जोड़ के विनती यही सुमण किया करो, अच्छे नेक कर्म करो, वचनों पे अमल करो, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल जरूर बन जाओगे। ऑकलैंड से बात करना चाहते हैं, जल्दी से भाई, शॉर्ट में जल्दी से बात करो। हाँ जी पिताजी, अंतम सतगुरु तेरा ही आसरा जी। हाँ जी पिताजी, थोड़ी रहमत नाल मैनू न्यूजीलैंड विच पीआर मिल गई है जी, लख लख शुक्राना है सर जी। बेटा आशीर्वाद, मालिक की रहमत हो गई। और बचनों पे रहना, सुमण करना बेटा। हाँ जी पिताजी, एक दो बारी गलती भी हुई है, एग वाले बिस्किट वगैरह खा लेने, मैंने माफी दे दो जी। नारा लगा दो बेटा, अगे तो ख्याल रखो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। हाँ जी पिता, हाँ जी पिताजी, उदो मेरी जॉब च प्रॉब्लम आ गई सी, पी आर च भी प्रॉब्लम आ गई सी, तुहाडे नाल गल कीती, तुसीं कहा कुछ भी नहीं होगा और कुछ भी नहीं होया पिताजी, थोड़ी रहमत नाल सीधा काम होगा, सही पी आर होगी जी। बेटा मालिक करने वाले हैं, इस तक अक्सर हैं बेटा। हाँ जी पिताजी, हुण रहमत करो भी मैनू अपने फील्ड की जॉब मिल जाए, और जेरी जॉब मेरे तो छुट गई सी, और थोड़ी कृपा हो जाए जी, सिमरन करके पैरवाई करो बेटा। हाँ जी पिताजी, लख लख शुक्राना, कीमती समय जा रही, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। बेटा प्रसाद बन गया जेड़ा तुसी रखी बैठी हो, और मालिक खुशियां देवे, सिमरन करते रहो, मालिक रहमत करने वाला है, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। पहली बार विदेश जाना है हमनदीप इंसा, शास्त्र राम जी मीत कबड्डी एकेडमी से इंटरनेशनल कबड्डी खेलने के लिए कैलगरी कनाडा जाना है, सफलता के लिए पूरा लगन से खेलना बेटा, मालिक साथ है, पूरा आशीर्वाद प्रसाद ले लेना, मालिक ताकत दे बेटा, बचनों पे रह के हिम्मत करना, आशीर्वाद। घर जाने वाले हैं जी, 7 से 40 दिन सेवा वाले खड़े हो जाएं, ब्लैक बुढ़लाडा के 215 भाई बहन 5 दिन की सेवा।
तो जितनी सेवा की है, सेवा से अमृत सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले, घरों में खुशियां बख्शी, प्रसाद ले जाना, सबको कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा, मालिक खुशियां बख्शी, आशीर्वाद प्रसाद ले लेना बेटा, आशीर्वाद खुद भी लेना, परिवारों को भी देना आशीर्वाद। बैठ जाए। शाही बेटी गुरुवंश के मेरिट आने की खुशी में और 10+ में आने की खुशी में MNG ग्लोरियस इंटरनेशनल स्कूल हॉस्टल वाले बच्चे 7,770 रुपए, शाही बेटियां बसेरा से ब्रह्मचारी बहने 7,770, स्टेज समिति के सभी सेवादार 10,770, पंडाल समिति सरसा के बहने 10,000, लंगर बनाने वाली समिति की 11,000, छायावन समिति के सेवादार 15,770, कैबिन समिति के सभी 7,770, पश्चिम मेंबर हिमाचल 7,770 रुपए उस फंड में जमा करवाते हैं जी। और बलाक शास्त्र नाम जी नगर सरसा 11,770, 5,000 रुपए राम स्वरूप जी पश्चिम मेंबरा पंजाब, 5,000 अनिल चावला इन सब भंगीदा शास्त्र नाम जी नगर। तो ये सब लोग खड़े हो जी, मालिक आपके घरों में आपस में प्यार बढ़ाए, मालिक से प्यार बढ़े, घर में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। पढ़ाई नेकी में आप बच्चे आगे बढ़े, प्रसाद लेना, मालिक रहमत करे, सबको बहुत आशीर्वाद। तो जो भी सत्संग आश्रम में सत्संग में चल के आइए, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आया अनुक शाम कहते हैं मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहना, सज रहना है जी। उसके बाद जैसे आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना सेवा करना आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धनंद सतगुरु तेरा ही आसरा। एक दो मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। जो बहन या भाई लंबे समय से बीमार हैं, पहले प्रसाद नहीं लिया और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, उन भाइयों ने साइड के 36 नंबर पिलर के पास और बहनों ने 99 नंबर पिलर के पास आकर प्रसाद ले लेना है जी। आश्रम में काफी जगह पर सेवा चली हुई है, जो भी भाई या बहन सेवा करना चाहते हैं आप अपने अपने प्रांत के 25 मेंबरों से मिलकर सेवा कर सकते हैं। और पंडाल में जो बुजुर्गों के लिए कैबिन है, तो इन कैबिनों में केवल बुजुर्गों ने ही बैठना है, बुजुर्गों के अलावा कोई और इन कैबिनों में न बैठा करें। लंगर भोजन जब भी आप आश्रम में ग्रहण करते हैं तो श्रद्धा के साथ लंगर ग्रहण किया करें, बेकार बिल्कुल भी न जाने दिया करें जी। लंगर सतगुरु का बेशकीमती प्रसाद है, इसलिए बेकार बिल्कुल भी न जाने दिया करें। आप पूजनीय गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है जी। धनंद सतगुरु तेरा ही आश्रम।